कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके पास 5 फरिश्ता आते हैं। पहला फरिश्ता जब आता है, जब वो मरने की कगार में होता है, पहले फरिश्ता आके यूँ कहता है, पहले तो तू बहुत सब कुछ देख सकता था, बहुत सब कुछ देख लिया, अब तो तू मर जाएगा, अब तो तू कुछ भी नहीं देख पाएगा सिवा अल्लाह और अल्लाह की जन्नत के सिवा। फिर जब दूसरा फरिश्ता जब आता है, जब वो मर जाता है, यूँ कहता है, पहले तो तू अपनी परछाई देखता था और रोशनी देखता था, अब तो तू अंधेरा देखेगा। दूसरा फरिश्ता आके चला जाता है। फिर तीसरा फरिश्ता आके कहता है, जब हम उसको निला रहे होते, जब तीसरा फरिश्ता आके यूँ कहता है, पहले तो तू खुद नहाता था, अब तो तुझे इतने सारे लोग निलाने के लिए आए हैं, जब उसको निला देते हैं तो तीसरा फरिश्ता भी चला जाता है। जब उसको नहला के ले जा रहे होते हैं तो चौथा फरिश्ता आके कहता है, पहले तो तू खुद चलता था, अब तो चार पाई पे तू खुद लेटा है, लेट के चल रहा है। पांचवा फरिश्ता चौथा, और चौथा फरिश्ता जब आता है, जब उसको लेके आते हैं, चौथा फरिश्ता यूँ कहता है, पहले तो तू खुद पैदल चलता था, जैसे हम चलते नहीं, पैदल खुद चलता था, और अब चार लोग तेरी चारपाई को पकड़ के अब तुझे चला के लेके आ रहे हैं। और जब वो पहुंच जाते हैं कब्रिस्तान, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। फिर पांचवा फरिश्ता क्यों कहता है, ये तूने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है, अब तू कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हमें मौत आती है, अल्लाह के हुक्म से हम बचते हैं। अल्लाह बस।